नमः शिवजी गुरु गुरुजी नमस्कार आप सबको मेरा हिंदी बहुत ग्रेट तो नहीं है मैं दिल्ली से हूँ बट आई एम अ तमिलियन बट काफ़ी अच्छा बोल देती हूँ कभी कभी यू नो पुलिंग स्त्रीलिंग में थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो माफ़ कर देना प्लीज आ, सो सितंबर अराउंड सितंबर एटीनथ को अगर मैं अपना जर्नी ट्रे, ट्रेस बैक करूँगी गुरु जी के साथ सेप्टेम्बर 18th ऑफ टू थाउजेंड एक हफ्ते पहले मैंने um, फ़ोन किया था डॉक्टर सुनील सहगल जो वंदना आंटी यहाँ जो सेवादार है उनके हस्बैंड को क्योंकि वो एन में um, स्टैटिक पढ़ाते हैं और मेरा बेटा कॉलेज uh, में क्लाक्सन यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको कुछ मदद की ज़रूरत थी तो मैंने उनको फ़ोन किया था और uh, उन्होंने बात बात किया उसके बाद ऐसे ही बात करने में उन्होंने कहा कि हम आपके यू नो सेंटर के पास ही आते हैं आयरानन सेंटर हीयर सो उन्होंने बोला आपके वहीं पास ही आते हैं तो बोल रहे थे गुरु के मंदिर के बारे में और उन्होंने बताया उसके बारे में एंड वो बोल रहे थे कि मैं भी भटक मैं उनको बोल रही थी कि मैं भी भटक रही हूँ एक गुरु के लिए क्योंकि हम लोग आई बिलोंग टू एन आयंग फैमिली तमिल आयंगार फैमिली और बहुत यू नो ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स फॉलो करते हैं हमारे जनरेशन तक तो फिर भी चल गया लेकिन आगे uh, बहुत मुश्किल है और मेरे बेटे के लिए मैं चाहती थी कि ऐसा एक जगह मिले जहाँ वो यू uh, नो you know, आ सके कनेक्ट हो सके uh, और उसी उसी इसमें मैं यू नो ढूँढ रही थी एक जगह और जो अंकल ने बोला था कि यू मस्ट डेफिनेटली गो देयर आपको जो पीस ऑफ माइंड आप बात कर रहे हैं वो जरूर वहाँ मिलेगा सो आई लिसन टू हिम ऑन सेप्टेम्बर एटीनथ मैं यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम और सितंबर नाइनटीन्थ को आज का सत्संग मेरे बेटे का ही है बहुत कुछ मेरे हमारी लाइफ में भी हुआ है लेकिन बेटे का ही मैं फोकस करना चाहती हूँ सितंबर एटीन को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी सितंबर नाइनटीन्थ को मेरा बेटा एयरफोर्स आर ओ टी सी में है तो एयर फोर्स आर ओ टी सी में ऑफिसर एग्ज़ाम होता है सेप्टेम्बर नाइनटीन्थ को उसने एयरफोर्स आर ओ टी सी का एग्ज़ाम लिखा सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर्थ को रिजल्ट आया मैथ में ही डिड एक्सट्रीमली वेल अराउंड एटी फाइव परसेंट आईल बट इंग्लिश वर्बल जो होता है बहुत टफ होता है एंड ही डिड नॉट क्लियर दैट वर्बल टेस्ट बट आई कंटिन्यू यू नो आई दैट डिड नॉट वॉद मी फ्रॉम एनी थिंग आई कंटिन्यू कमिंग ईयर दो तीन हफ्ते के बाद मुझे मैं यहाँ बैठी हुई थी सत्संग में और मैंने गुरु जी को बात कर रही थी मैं गुरु जी से और मैंने पूछा कि गुरु जी से कि मैं आ तो रही हूँ यहाँ और आ रही हूँ जा रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ मैं साई बाबा के पास भी जाती थी डिफरेंट डिफरेंट गुरु के पास ढूँढ रही थी मैं बहुत दिनों से गुरु से कनेक्ट होने के लिए और सेवा का भी एक दो बार पूछा था सो तो सेवा भी यू नो बोले रहे थे अच्छा, आंटी आप बैठिए आप आराम से सत्संग सुनिए सो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आ रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं, मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ कि नहीं तो यू you नो know, आप दिखाओ रास्ता मुझे कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ मैं वापस बाहर निकल रही थी तो जैन अंकल को मिली जैन अंकल को मैं आठ साल पहले मिल चुकी हूँ और जैन अंकल को उस दिन फ़र्स्ट टाइम मैं मिली बाहर बात बात किया तो जैन अंकल ने कहा कि आपके पास जैन अंकल ने बोला इनको स्वरूप दो और तो संजीव अंक आए थे स्वरूप के साथ लॉकेट ब्रेसलेट तो मुझे लगा कि वो एक इंडिकेशन है गुरु जी से कि यू नो यहाँ यू आर वेलकम हियर यू नो यू नीड टू कम सो उस दिन से आई हैव बिकम यू नो आई है बिन कमिंग रेगुलरली और मैं वेट कर रही थी मेरे बेटे को ब्रेक में यहाँ आने के लिए फ़र्स्ट टाइम उसने जो उसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ रो रो के पागल कर दिया रात को तीन बजे फ़ोन करता दो बजे फ़ोन करता था स्ट्रेस पैंडमिक के टाइम पे यू नो पूरा टाइम वहाँ रहना पड़ा तो बहुत स्ट्रेसफुल था मोर देन एनी थिंग मेरा मेरे लिए ये था कि उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहे बिकॉज दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाकी सब तो यू नो आ ही जाएगा सो so, यहाँ जब थैंक्स गिविंग के टाइम जब वो आया था तो मैं उसको यहाँ लेके आई थी तो वो एकदम दो घंटे वो पूरा बैठा शब्द में एक बार भी नहीं बोला कि जाना है घर बाय बैठ के अच्छी तरह बात किया और uh, uh, फिर उसके बाद uh, चार दिन की छुट्टी थी वो वापस चले गया इट वॉज़ ओ ओके एंड देन डिसम्बर एटीन सेकेंड टाइम सेकेंड चांस मिलता है सेकेंड बार ही रोड द एग्जाम ही केम बैक नाइनटीन से ही स्टार्टेड कमिंग टू द टेम्पल रेगुलरली एंड आते ही फर्स्ट दिन गौतम अंकल से बात बात हुआ वा, तो गौतम अंकल ने जैन अंकल ने बात किया बोला है तो ही बी के मैं सेवादार यहाँ आते ही यू you नो know, चाय प्रसाद देना ये करना सब कुछ थी. उसको बहुत अच्छा लगता था आना यहाँ मंडे थर्सडे एंड सनडे रेगुलरली आता था ट्वेंटी नाइनटीन्थ को उसका दूसरा एग्जाम था दिसंबर एटीथ मेरा डेट में आगे पीछे होगा तो माफ़ करना बट दिसंबर एटीनथ को आई थिंक उसका सेकेंड एग्जाम था ट्वेंटी सेवन्थ को रिजल्ट आया ही डिड नॉट क्लियर सेकेंड टाइम ऑल्सो और बट इस बार उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था ही वॉज उसको एक स्कॉलरशिप मिला है उनके थ्रू जो विच इज़ ओनली गिवन टू फाइव परसेंट ऑफ द पीपल इन द होल ऑफ यू एस तो दैट स्कॉलरशिप हैड टू बी सस्पेंडेड टिल ही क्लियर्स दैट तो बट यू नो क्लार्क्सन की तरफ से स्कॉलरशिप मिला हुआ था तो वो किक ऑफ हो गया था उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं था बट आई वॉज मोर वरीड हाउ ही वुड टेक इट लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह उसको लिया और उसने कहा कि मम्मी मुझे पता नहीं गुरुजी का कुछ तो इसमें होगा तो आई विल लीव इट टू हिम तो एक बच्चे को 20 साल के बच्चे को इसके बारे में बोलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मैंने ये भी नोटिस किया कि उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम था मतलब जितना रो पीट का पहले बार किया था वो सब नहीं था सेकंड टाइम पे फिर यहाँ आया थर्टी फर्स्ट को एंड देन थर्टी फर्स्ट को उसने uh, जूता सेवा किया और उसको हमेशा जूता सेवा ज़्यादा मिलता था और वो बहुत खुशी खुशी जूता सेवा करता था तो यहाँ के जूता सेवा किया फिर थर्टीन तक उसका हॉलीडे था जनवरी

अभी तक कभी भी उन्होंने ये एयरफोर्स एग्ज़ाम का लिया ही नहीं था कंसिड्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार एयरफोर्स एग्ज़ाम 15 परसेंट वर्बल के लिए और 10 परसेंट मैथ के लिए ये तो और डिसपॉइंटिंग था हम लोगों को क्योंकि इसने क्लियर भी नहीं किया वर्बल और 15 परसेंट उसका लेना तो बहुत बड़ी बात है ही वॉज स्टिल नॉट वरीड मेन वाइल थर्टीन थी वेंट बैक he hardly had friends there, बहुत, uh, you know, lonely feel करता था. Majority वहाँ Clarkson University, it's almost close to Ottawa border, so lot of, you know, population was very restricted. But he was finding it very difficult to make friends. Suddenly for the first time he saw so many people who had come on an exchange program from India, IIT से आए हुए थे, different places से. इसने काफी friends श्रीलंका, इंडिया. रोज मुझे phone करता था, मम्मी ये friend मिला मुझे, आज वो friend मिला. March में जब यहाँ आया मैंने लड्डू बनाया था सो सेवेंटी फाइव फ्रेंड्स थे इसके कुछ लोगों को ये कुछ लोगों को ये ही हैड सो मैनी फ्रेंड्स ही वाज सो हैप्पी उसके पहले इसको इतना स्ट्रेस आ, 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 सारा वक़्त ये करता था और आंख ब्लिंक होता था वो सब बंद हो गया अपने आप और ये सुबह अपने आप उठता था जाता था रोज रात को मंत्र जाप करता था रोज़ रात को मंत्र जाप करता था और वो बोल रहा था कि मुझे अभी आई एम नॉट वरीड एनी मोर हमेशा यही लिखता था कि मम्मी आई गॉट पहले तो 95 से 90 हो गया तो तीन तीन घंटे मुझे सुनना पड़ता था लेकिन उसके बाद से एक बार 78 एट एक टेस्ट में ममा आई डोंट नो आई थिंक गुरुजी विल टेक केयर नेक्स्ट मैंने यहाँ मंडे <laughs> का था आई फिनिश एंड मेंट आउट एंड यू रोट टू मी सेंग जय गुरु जी द टीचर डिड नॉट सी वन क्वेश्चन नाइन्टी थ्री सो मतलब ही विल जस्ट टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे एंड मूव अहेड तो एयर फोर्स ने वो मेमोरेंडम निकाला उसके बाद उन्होंने अनदर मेमो निकाला कि

मार्च में यहाँ आया था ही वॉज वेरी हैप्पी ही वज़ कमिंग ये मार्च सेवनटीन को सिक्सटीन को पता चला कि मार्च सेवनटीन को रिजल्ट आ रहा है ये फील्ड ट्रेनिंग में कौन सेलेक्ट होने वाला है करके इट इज़ अ यू नो थ्रू आउट यू एस दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स फ्राम फ्राम द कॉलेजेस एंड फोर थर्टी ही वॉक मी अप इन द मॉर्निंग ऑन सेवनटीन एंड ही सेट मामा आई गॉट सेलेक्टेड आई सेट मेल आया क्या ही से गुरु जी आया क्या इसने कहा नहीं सपने ने मैंने कहा पता कैसे चला हो बोल हुआ नहीं मुझे आई गॉट अ ड्रीम दैट माई कमांडर के पास लिस्ट आ गया है उसमें मेरा नाम है और वो बहुत आराम से मैं पंद्रह बार रेस्ट रूम जा रही थी यू you नो know, डर के मारे कि अगर बाई चांस नहीं हुआ तो ये कैसे संभालेगा वन थर्टी तक तो कॉल आ गया था ही गॉट सेलेक्टेड तो उसमें अभी इसको क्लियर ही स्टिल हैज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम ही हैज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम टू बी ए पार्ट ऑफ दैट बिकॉज ये ऑफिसर्स बन के जाते हैं तो इनको क्लियर करना पड़ता है वो एग्ज़ाम तो इसमें इसी बीच और क्या हुआ और एक वो भी हुई कि लास्ट ईयर अराउंड यू नो दे डिसाइडेड कि देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो स्टेम में बहुत बढ़िया करते हैं बट वर्बल में अच्छा बात करते हैं दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड ऑल बट जब टेस्ट की सिचुएशन में 25 क्वेश्चन आपको पाँच मिनट में करना पड़ता है ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो नहीं करते तो परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो जाता है तो इन्होंने एक स्टडी किया था पायलट स्टडी किया था उसमें पायलट स्टडी में उनको पता चला कि यू नो तीन हफ़्ते उन लोगों ने बिठा के उनको एक बेस में रखा और उसमें बेस में उन्होंने किया तो उनको वो बच्चे सब क्लियर कर चुके थे मोस्ट ऑफ़ देम तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा चल रहा है दिस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था इस्पैनिक बच्चों के लिए रिको से इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल दे ओपनड इट अप फॉर ऑल चिल्ड्रन बट एक ही कंडीशन था कि ई होना चाहिए था कभी भी ज़िंदगी में वो लेट टॉकर था ही स्पोकर द एज ऑफ सिक्स शुरुआत स्कूल में उसने एक साल ई किया था तो हम उसको दे पाए कि ई किया उसने तो उसको सिलेक्शन हो गया है तो मोर देन एनी थिंग यू नो अभी एयरफोर्स uh, में आगे जाएगा गुरु जी संभालेंगे सब कुछ हमें पूरा विश्वास है इसके लिए लेकिन मोर देन एनी थिंग जो uh, उसको जो उसका मेंटल हेल्थ एकदम खुश रहता है क्योंकि हमेशा वो अस्थाविरता था अब ये दो तीन साल में यू नो स्ट्रेस ऑल द टाइम द स्ट्रेस ऑफ थिंग्स और मुझे तो हम हम लोगों को उसकी you know, एक ही बच्चा है हमारा है, तो हम लोगों को तो उसी के हेल्थ का ही ज़्यादा चिंता होता था कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए सात घंटे दूर में यहाँ से यू you नो know, कि एक एक बार जाके हम भी उसको मिल नहीं सकते आजकल फ़ोन कॉल्स कम जब फ़ोन नहीं आता तो ना नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ सो फोन ज़्यादा कम आता है तो ठीक है कभी कभी फ़ोन करता है हमेशा वो फ़ोन करता है एक दो बार तो लेकिन कम फ़ोन करता है ऐसे नहीं कि सबके लिए फ़ोन करता है अपने आप डील करता है सिचुएशंस में तो अभी डायल्स uh, उसमें जो सेलेक्ट हुए जो बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग में दे रहे तीन हफ़्ते का जो ट्रेनिंग होगा रिग्रेस उसमें उसको जाना है संडे को और उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग अलाबामा में दो हफ्ते के लिए जाना है तो आई एम रियली होपफुल एंड आई एम नॉट इवन होपफुल आई एम श्योर कि गुरु जी इसको रास्ता दिखा देंगे और ये उस रास्ते पे चलेगा और ये बहुत पॉजिटिवली अपना लाइफ को ले रहा है कि मैं uh, मुझे लग रहा है कि अगर वो सेलेक्ट नहीं होता कुछ प्रॉब्लम होता मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता उससे ज़्यादा क्योंकि उसने ऐसे वहाँ तक पहुँचा देता है उसको कि सब कुछ मेरा हो जाएगा ठीक तरह से आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट तो uh, इस इसने मुझे भी यू you नो know, बहुत कॉन्फिडेंट मेरा भी बहुत सत्संग है मैं ज़्यादा टाइम एक ही दिन में बोलना बहुत मुश्किल है इस यू you नो know, इस हफ मंथ में बट मैं काफ़ी पेरेंट्स को मिलती हूँ क्योंकि मैं एक लर्निंग सेंटर चलाती हूँ तो जो भी आते हैं मैं बात करती हूँ अपने बारे अपने इसके बारे में बिकॉज मुझे जो हम ज, जिस स्टेज पर गुजर चुके हैं इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों को भी उसके बारे में बात करें जब ये लेट टॉकिंग इसका ले, टॉकिंग बहुत लेट हुआ था छः छः साल में बात किया जो भी मैंने उसके साथ किया बिकॉज आई एम ए टीचर कि मैं चाहती हूँ कि मेरा नॉलेज जो भी हमें मिला है वो बाकी लोगों को भी मिले तो मैं बात करती हूँ लोगों से और बोलती हूँ तो ऐसे ही एक पेरेंट आई थी वो एक दिन जरूर यहाँ खड़े होकर आपके सामने अपना सत्संग सुनाएगी बट तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसने मुझे फ़ोन करके बोला जय मैं मेरा बच्चा आया नहीं पाएगा आज क्योंकि उसको uh, बायोप्सी के लिए ले जा रही हूँ फिफ्थ ग्रेड में बायोप्सी तो मैंने कहा क्यों तो उसने बोला क्रोन डिसीज़ डिटेक्ट हुआ और इट्स अ वेरी सीरियस दिस थिंग राइट सो आई वज थिंक आई वज टोल्डर क्यों ना देखो मैं तमलियन हूँ मैं जुड़ गई हूँ तुम कोशिश करो तुम यू डोंट बिलोंग टू पंजाबी ऐसे कुछ नहीं कुछ लोगों ने बोला है पंजाबी लोग ऐसे ऐसे कुछ नहीं है तुम आके देखो गुरु जी से जुड़ो तुम दूसरों के बारे में फिक्र मत करो वो आई फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चा दो घंटा बिना बाथरूम जाए यहाँ बैठा हुआ था जो बच्चा एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स में बीस बार बाथरूम जाता था अठारह से बीस बार उस दिन दो रोटी का आया ग्लूटेन है ग्लूटन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द स्टमक एट ऑल द चाइल्ड हैड इट एवरी संडे दे ट्राई टू मेक इट टू कम हेयर संडे और थर्सडे आते हैं बच्चे के साथ इन खाना वो लंगर जरूर करते हैं खाना खाने के बाद लंगर खाने के बाद वो उस बच्चे को ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होता अभी खाने लगे अभी वो नॉर्मल ह्यूमन में हम लोग जैसे करते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी उसको और चल रहा है इट्स नॉट दैट उसका मेडिसिन बंद हुआ है लेकिन मेडिसिन इफ़ेक्टिव है और उनको विश्वास है और वो विश्वास मुझे विश्वास है उनके विश्वास पर कि जरूर उस बच्चे को गुरु ठीक कर देंगे तो ऐसे छोटे छोटे बहुत uh, मेरे मदर इन लॉ के साथ जो एल्ज़ाइमर पेशेंट है उनके लिए मैं यहाँ से यू नो ब्लेसिंग्स जल प्रसाद ब्लिस करके ले गए तो थोड़ा स्पीच थोड़ा क्लैरिटी है उनके स्पीच में अप एंड डाउन है शी एन एडवांस स्टेज बट थोड़ा चलने लगी थी बीच में चलना बिल्कुल बंद कर दिया था तो वी सौ थोड़ा बहुत यू नो फ़र्क पड़ रहा है उनके इसमें तो ये सब देख के हमारा उम्मीद बढ़ता है तो मैं रोज़ मैं सुनती हूँ सत्संग मैं एक सत्संग सुन रही थी उसमें एक छोटा सा बच्चा उसका प्ले स्टेशन ख़राब हो गया और वो अपने फादर को पूछता है कि मैं इसको कैसे इतना ख़राब हो गया अब इस गंदगी को कैसे निकालूँ और वो वो कहते हैं कि जैसे हम लोग नहाते हैं तुम इसको नल के सामने दिखाओ ऐसे मजाक में बोल दिया वो बच्चा तीन साल का बच्चा है वो गया लेके दिखाया और वो खराब हो गया रो रो के बच्चे ने इस रात भर मम्मी ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते बेटा अब जो गुरुजी करेंगे वो करेंगे बच्चा भी गुरुजी को याद करके सो गया अगले दिन वो गया जि दे टू द शॉप और वो तो शॉप के उन्होंने बोला सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग वी नेवर एक्सचेंज दिस काइंड ऑफ यू नो प्ले स्टेशन बट अंदर से उनके मैनेजर आया और उन्होंने कहा कि हम करते तो नहीं हैं लेकिन इस बार फॉर वंस वी विल डू इट सो हमें इससे मेरा क्या सीख मिला है कि वो तीन साल के बच्चे में जो नो इफ्स नो बर्ड्स जस्ट द बिलीफ आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ सो इम्पॉर्टेंट हम ह्यूमन बींग्स यू नो थोड़ा पढ़ लिखे होने के बाद यू थिंक लाइक यू नो मे बी मे बी यू नो इट मे नॉट वर्क मे बी पीपल आर टॉकिंग इन लॉजिकल बट इफ देर इज़ नो इफ सन बट लाइक अ चाइल्ड्स फेथ इफ यू हैव दैट गुरुजी हैज़ टू गिव यू दैट ही विल टेक यू अलॉन्ग वर बट इन द प्रोसेस इन द जर्नी इज़ वेर वी यू नो शेक लिटिल बिट यहाँ वहाँ यू नो भटकते हैं देखते हैं तो मेरा उम्मीद है कि मैं यहाँ यू नो जिस गुरु को मैं ढूंढ रही थी वो गुरु मुझे मिल गया और मेरा बेटा भी गुरु से यू you नो know, जुड़े रहे उसको बोलना कम करना पड़ता है गुरु जी के बारे में गहिंग भी शुरू कर देता है वो अब मैं कॉलेज में भी हमने बोला है ना थोड़ा ठंडा रख के बात किया करो बिकॉज ही विल स्टार्ट ऑफ लोगों को बोलता है यू नो इस बहुत शक्ति मिलता है स्कूल में भी कोई बोलता है पीएचडी एच डी इमीडिएटली अपना गुरुजी का यू नो स्वरूप निकाल के दे देता है कि जरूर डिस क्लियर हो जाओगे नो प्रॉब्लम वो क्लियर होकर फिर उसको आके बोलते हैं कि हमारा तो क्लियर हो गया है तो उसके यू नो you know, उसका वो बिलीफ है एंड आई रियली वांट कि वो उसी सिंसियरिटी के साथ बिलीव करें यू uh, नो you know, अगर हम गुरुजी को अपना आखिरी उम्मीद के साथ नहीं देखना चाहिए हमें पहले हमारा यू नो वी शुड हैव वी शुड फील दैट ही इज़ द फर्स्ट वन हुम वी शुड गो नॉट द फाइनल वन तो दैट इज़ वॉट माई यू नो माई बिलीफ इज़ आई होप आई एम एबल टू कंटिन्यू दिस जर्नी विद गुरु फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम जय गुरु शिवा शिवजी सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय